हाय गाइस, आज हम शर्ट की पॉकेट का पैटर्न बनाएंगे। ठीक है, पैटर्न जो अपन अब इस तरीके से है, इसको जो है अपन कपड़ा लेके जो है, अब ये शेप है, ठीक है, इस तरीके से रख के हम डायरेक्टली जो है इसे मोड़ ले सकते हैं। ठीक है, हमें माप के करके जो है फोल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो वैसा ही जो है वी शेप वाला अपन पैटर्न बनाएंगे। तो 4.5 इंच की मैं पॉकेट बनाऊंगा। आप लोग जो है देखो, ये है ऊपर का हिस्सा। ठीक है, इसको जो है स्केल रखेंगे, हम रख के जो है लाइन लगा के जो है हम पहले जो है इस पे मार्क लगा लेंगे। ठीक है, ठीक है, मार्क लगा लिए। लगा लेने के बाद मैं इसको स्ट्रेट यही मार्क से जो है सीधा काट लूँगा। काट लिया, अब यहाँ से जो है ये वेडिंग कार्ड है गाइस, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। अब इसको जो है काट के निकाल देंगे अपन, इसको भी जो है। ठीक है, अब यहाँ से जो है मैं एक ये जो लाइन है इससे मापूंगा, इसको जो है स्ट्रेट लाइन एक लगा दूंगा यहाँ पे। देखो आप लोग, स्ट्रेट लाइन लगा दिया। लगा देने के बाद यहाँ से जो है 4.5 इंच अपन मापेंगे। दिख रहा 4.5, फिर यहाँ से भी जो है 4.5। ठीक है, अभी इस तरीके से जो है इसको स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे। ठीक है, लगा लियो। लगा लेने के बाद इसको इधर से काट देंगे। ठीक है, इसको इधर से काट देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो, ये अपन 4.5 इंच लिए ना, ये 4.5 इंच लिए। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, एक तरफ से 4.5 इंच लेंगे, फिर यहाँ से भी जो है 4.5 इंच लेंगे। ले लिए, अब यहाँ से 4.5 इंच है ना, तो 2.25 पे जो है एक मार्क लगाएंगे, आधा 4.5 का आधा। ठीक है, फिर यहाँ से जो है 5 इंच लेंगे। ठीक है, अब इसको जो है मिलाकर जो है लाइन लगा देंगे, आधे इंच का जो है फर्क होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से लगा दिए। अब जो है इसको क्या करेंगे, अपन काटेंगे। तो आप लगा यहाँ पे देखो, इस तरीके से जो है इसको अपन बना सकते हैं। ठीक है, पॉकेट जो है बिना पैटर्न के भी जो है फोल्ड की जाती, मैं जो है वो आप लोगों को बाद में बताऊंगा, फिर कभी वीडियो में। अब इसको कैसा फोल्ड करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, अब ये पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न है। अब ये कपड़ा जो है मैं ले रहा हूँ, मैं दूसरा कपड़ा लेके आप लोगों को दिखाता हूँ। ये कपड़ा मेरे पास है। ठीक है, ठीक है, इसको जो है इस तरीके से फोल्ड कर दिया अपन। ठीक है, ये ऊपर की पट्टी हो गई। ठीक है, अब इसको जो है इस तरीके से लगाना है, लगा के इधर से इस तरीके से फोल्ड कर देना है, इधर से इस तरीके से फोल्ड कर देना है, इधर से यहाँ से पहले बराबर माप लेना है और उंगली रख लेना है, फिर इधर से इस तरीके से फोल्ड कर लेना है, फिर उसके बाद इधर से इस तरीके से। आप लोगों को बताता हूँ मैं पलटा के, टोटली जो है इस तरीके से जो है मुड़े बाद जो है और ज़बरदस्त तरीके से इन्हें बन सकती क्या, बनती मैं बना के भी आप लोगों को दिखा सकता हूँ, लेकिन क्यों चुप, आप लोगों का टाइम वेस्ट, पैटर्न बनाना बता दिया आप लोग इतने से ही जो है समझ गए होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होंगी, पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और अगर से चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलेंगे गाइज अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और अल्लाह हाफिज़।